हेलो एवरीवन, वेलकम टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज पहली बार आपके सामने बोर्ड पे हाजिर हूं और आपका ये इकोनॉमिक्स यानी कि सामाजिक विज्ञान का एक लेसन है। इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ये आपका पहला लेसन है। इसमें जितना सारा टॉपिक है उन सभी टॉपिक को मैं आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाऊंगा। आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना और फिर इसका मैं सब्जेक्टिव वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। इसके इस वीडियो के बाद जो है आपका सब्जेक्टिव का वीडियो जाएगा, उसको देखना, सब्जेक्टिव नोट करना और पढ़ना, बहुत अच्छा रहेगा आपका एग्जाम, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको जान लेते हैं। तो ये चैप्टर का नाम ही क्या है, अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले आपको अर्थव्यवस्था के बारे में जानना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था कौन सी बला आ गई, क्या है अर्थव्यवस्था, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो ये है, मैं बताता हूं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। समझे इसका मतलब, नहीं समझे तो यूं समझाता हूं मैं। अर्थव्यवस्था एक प्रकार का ढांचा है, एक क्या है, तंत्र है, जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर में, अर्थव्यवस्था के अंदर में अलग अलग तरह के जो पैसा वाला जो काम होता है, समझ रहे हैं ठेठ भाषा में, जो अलग अलग काम प्रकार के पैसा वाला काम यानी कि आर्थिक क्रियाएं, पैसा वाला काम का मतलब वो आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी अर्थव्यवस्था, समझे। तो जैसे कि पैसा वाला काम कौन कौन सा है, जैसे बैंकिंग काम हो गया, परिवहन हो गया, व्यवसाय हो गया, है ना, प्राइवेट निजी कंपनियां हो गया, ये सभी जो है आपका क्या काम करती है, सभी जो है पैसा वाला काम पे डिपेंड करती हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में। समझ गया अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समझा दिया हूं बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो अर्थव्यवस्था का जो है तीन भाग है। पहला भाग क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, दूसरा आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये तीनों को समझना पड़ेगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है ना, और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो यूं समझो डिफिनेशन, समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत यानी कि जिसके अंदर संसाधन के सभी जो काम है, जिसके अंतर्गत जो संसाधनों का जो स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब क्या हुआ, मालिक, जिसके अंतर्गत संसाधनों का स्वामित्व जो है आपका किसके पास होता है, उस देश के सरकार के पास होता है। किसके पास होता है, उस देश के सरकार के पास होता है। यानी कि जिस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा उस देश के जो सरकार के पास सभी संसाधन का जो है स्वामित्व कौन रहेगा, सरकार रहेगा। समझे नहीं समझे तो एक बार फिर से बताता हूं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उस देश के जो सरकार होता है और वहां का जो संसाधन होता है उसका जो स्वामित्व होता है कौन होता है, उस देश के सरकार होता है, यानी कि गवर्नमेंट, यूं समझो गवर्नमेंट, यानी कि जिस देश में गवर्नमेंट का चलता है यानी कि सरकार का चलता है जो भी सारा संसाधन है, संसाधन का मतलब जो बैंकिंग हो गया, व्यवसाय हो गया, आपका बहुत सारा जो भी देख रहे संसाधन, उन सभी का जो स्वामित्व है, मालिक है पूरी यानी कि टोटली रूप से किसके पास होता है, सरकार के पास होता है। जिस देश में है ना पूरा सरकार के अंतर्गत, सरकार का जो अधीन होता है, सभी संसाधन सरकार के अंतर्गत आता है, उसको क्या बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं। चलो ये देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी से मतलब क्या समझ रहे हैं, पूंजीवादी से समझ रहे हैं प्राइवेट, पूंजीवादी से यूं समझो प्राइवेट, प्राइवेट अर्थव्यवस्था। तो प्राइवेट अर्थव्यवस्था का मतलब समझ रहे, हल्का हल्का क्लियर हो रहा कि प्राइवेट अर्थव्यवस्था क्या हो सकता है। तो मैं डिफिनेशन यूं बताता हूं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जहां जो है संसाधनों का उत्पादन का जो स्वामित्व है, यानी कि जिस जो संसाधन है जो उसका उत्पादन होता है उसका मालिक कौन होता है, एक निजी व्यक्ति होता है। कौन होता है, एक निजी व्यक्ति। जैसे मैं मानता हूं मैं कोई कंपनी चला रहा हूं, इसके अंदर सरकार का कोई हाथ नहीं है, सब कुछ मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो वही बोलते हैं निजी व्यक्ति हो, यानी कि खुद एक प्राइवेट आदमी हो। तो एक बार फिर समझो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत संसाधनों का उत्पादन का जो स्वामित्व होता है, जो मालिक होता है, वहां के जो निजी व्यक्ति होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो काम क्या है, तो जो निजी व्यक्ति होता है वो क्या चाहता है, संसाधनों को अपना लाभ करने के लिए, वो जो उस संसाधन जो उपयोग कर रहा है, जो संसाधन उत्पादन कर रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, वहां के जो मालिक होता है वो चाहता है कि मैं संसाधन को खुद का लाभ के लिए करूं, ठीक है, अपने लाभ के लिए, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार क्या चाहती है कि समाज को कल्याण किया जाए, समाज के लिए नए नए प्रकार के योजनाएं लाते हैं, आपके सामने भी बहुत सारी नई नई योजनाएं आ रही हैं, तो ये सरकार कर रही है क्योंकि ये सरकार के पास है। तो अब समझ गए हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब जिस देश से पूरी तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती है, यानी कि पूरा जो संसाधन है वो सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है।
और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि उस देश में पूरा जो संसाधन जो भी उत्पादन हो रहा पूरा का मालिक कौन होगा, कोई एक व्यक्ति होगा। हर संसाधन का अलग अलग व्यक्ति होगा, है ना, कोई एक व्यक्ति होगा। अब आप समझो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब मिश्रित के मतलब समझ रहे, मिला हुआ। मिश्रित का मतलब क्या समझे, मिला हुआ, यानी कि एक ऐसा अर्थव्यवस्था जहां समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रित हो, दोनों का मिश्रित हो या दोनों का मिश्रण हो, यानी कि दोनों का मिला हुआ हो। जैसे हमारा देश है भारत, तो भारत में देखें प्राइवेट भी होती है और सरकारी भी होती है, दोनों कंपनियां चलती है ना, एक प्राइवेट कंपनी भी चल रही है सरकारी भी कंपनी चल रही है, तो उसमें क्या होता है उसको बोलते हैं क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी कि इसको मिक्स्ड इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, समझ गए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, यानी कि मिला हुआ। तो ये काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था इनमें से कौन है, कौन सा देश है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता है, तो ऑप्शन क्या करेंगे, टिक, भारत टिक करेंगे, समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो यहां पे देख रहे हैं आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक क्रियाएं क्या है, आर्थिक विकास क्या है, सतत विकास क्या है, HDR के बारे में पढ़ना है, HDI के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय के बारे में पढ़ना है, वस्तु प्रणाली हो गया, अर्थव्यवस्था की संरचना हो गया, और फिर मौद्रिक क्रियाएं, मौद्रिक प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, कोर प्रणाली, ATM, डेबिट क्रेडिट और उपनिवेश, ये सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं पहले, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, आर्थिक नियोजन। तो एक वर्ड यहाँ पे आ गया नियोजन, आर्थिक के मतलब तो समझ रहे हैं पैसा वाला, है ना। अब नियोजन समझना कि नियोजन होता है क्या, तो नियोजन जो है योजना से बना है, क्या बना है, योजना से बना है। अब योजना से बना है तो इसका मतलब ये होता है कि जो राष्ट्र की जो प्राथमिकताएं हैं वहां जो संसाधन है, ठीक है, राष्ट्र की जो प्राथमिकताएं हैं, जो विकास के संसाधन, जो संसाधन है, उन संसाधन को जो है एक ऐसा विभिन्न जगह लगाया जाए जहां देश का जो अर्थव्यवस्था ऊंचा हो, देश का विकास हो, ठीक है। तो जहां विकास का एरिया दिखता है सरकार को वहां क्या करता है, आर्थिक नियोजन करता है, यानी कि नई नई प्रकार की योजनाएं बनाती है। जैसे कि मान लो कृषि हो गया, तो कृषि में किसानों को क्या करता है, एक नया नया प्रकार की योजना बनाती है सरकार कि ये काम किया जाए, ऐसी इस तरह से बीज उत्पादन किया जाए, इसका ये लोन दिया जाता है। तो सरकार जो उस जगह अपना फंड को ट्रांसफर करती है, संसाधन को देता है, किसी भी संसाधन के रूप में हो या तो फिर पैसा के रूप में हो, यानी कि संसाधन समझ रहे, किसी भी प्रकार की, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे कृषि में हो, किसी भी तरह में सरकार ये चाहती है कि लोग जो है आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बनेगा तब हमारा विकास दर जो है काफी हाई हो जाएगा, काफी ऊंचा हो जाएगा। तो आर्थिक नियोजन का मतलब वही हुआ, यानी कि आर्थिक जो जो पैसा है उसका बंटवारा, अब कहीं पैसा तो बंटवारा नहीं करेगा लेकिन जो संसाधन है सरकार के पास उसका उपयोग ऐसा जगह करना जहां विकास का काम हो, विकास काम में जो है आर्थिक का नियोजन करता है, ठीक है, ये इसका है मतलब। अब ये समझो कि आर्थिक नियोजन जो देख रहे हैं इसका, इसको चलाता कौन है, आर्थिक नियोजन को कौन चलाता है, हालांकि सरकार तो सब चलाती है लेकिन सरकार के नीचे भी बहुत सारा आपकी बना हुआ है ना। तो आर्थिक नियोजन को जो चलाने वाला है ये है आपका योजना आयोग, कौन है, योजना आयोग। तो योजना आयोग के बारे में जान लो कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, क्या हुआ था, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, लेकिन अब योजना आयोग खत्म हो गया, खत्म नहीं मतलब कि उसका नाम चेंज हो गया, ठीक है, उसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम क्या रखा गया, नीति आयोग, क्या रखा गया, नीति आयोग, ठीक है, योजना आयोग का नाम चेंज होके नीति आयोग रखा गया। और कब हुआ, 1 जनवरी 2015 में। तो याद रखना योजना आयोग जो है 15 मार्च 1950 की स्थापना हुई थी लेकिन अब योजना आयोग का नाम बदल गया, क्या, नीति आयोग में बदल गया, कब बदला, 1 जनवरी 2015 को। और एक इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, समझ गए। नेक्स्ट आपका है आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं के मतलब ये हुआ एक ऐसी क्रियाएं जहां जो है आर्थिक क्रियाएं यानी कि पैसे के विकास के बारे में जहां आय हमको हो, आर्थिक क्रियाएं का मतलब हुआ ऐसा, मतलब एक ऐसा काम जिसके जरिए से हमको इनकम आ रहा, जिसके जरिए से हमको आय आ रहा, उसको क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रियाएं। मतलब एक ऐसा काम करें, एक ऐसा काम करें, जैसे कोई आदमी आपका ठेला बेच रहा है ना, कोई आदमी बिजनेस कर रहा, क्यों कर रहा बिजनेस, क्यों कर रहा, तो एक काम कर रहा, कौन काम कर रहा, आर्थिक क्रियाएं कर रहा। अब बोलेंगे आर्थिक क्रियाएं कैसा काम होता है, तो जितना सारा काम हो गया अगर उन सभी कामों से पैसा आ रहा, इनकम आ रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रियाएं बोलेंगे, समझ गए इसको। अब आपका है आर्थिक विकास, आर्थिक विकास क्या है,
आर्थिक विकास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है गया, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, HDI है ना, मानव विकास सूचकांक, इसके अंतर्गत जो है आर्थिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, ये सब है ना, ये सब पढ़ेंगे आर्थिक विकास के बारे में, यानी कि आर्थिक का जो विकास कैसे होता है, हम जो पैसा कमा रहे हैं वो किस ढंग से, क्या होता है उसका मतलब, तो आर्थिक विकास कैसे होगा इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्रीय आय, किसी भी देश का राष्ट्रीय आय कैसा है, तो राष्ट्रीय आय डिपेंड किस पे कर रहा है, आर्थिक विकास पे, यानी कि राष्ट्रीय आय अगर बढ़ेगा तो आर्थिक विकास भी बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो आर्थिक विकास भी बढ़ेगा, है ना, HDR बनेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अगर बढ़ता है तो आपका आर्थिक विकास दर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आर्थिक विकास का मतलब ये हुआ जिसके अंतर्गत आपका राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास रिपोर्ट के काम आते हैं, उन सभी को क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास बोलेंगे। समझ गए इसको। अब नेक्स्ट आपका है सतत विकास। सतत के मतलब क्या होता है, सतत मींस होता है लगातार, निरंतर, है ना, सतत का मतलब क्या होता है, लगातार निरंतर, यानी कि वे सभी क्रियाएं, वे काम, वे विकास का काम, है ना, काम का मतलब विकास वाला काम जो डेवलप हो रहा है, यानी कि वे विकास के काम जो लगातार चलते रहे, जो लगातार चलते रहे, और ऐसा नहीं कि मेरे तक, यानी कि हम कोई काम किए, कोई व्यवसाय शुरू किए जो हमको विकास देश को आगे ले जाए, तो ऐसा नहीं कि इसी पीढ़ी तक, वो जो आने वाला जो पीढ़ी है, जो मेरे बाद पीछे नस्ल आएगी, जो पीढ़ी है उनको भी इसका फायदा होते रहेगा, उनको भी विकास होते रहेगा, तो उसको बोलेंगे क्या, सतत विकास। समझ गए, सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसके अंतर्गत विकास जो है लगातार चलती रहती है और वो हमेशा टिकाव वाला विकास। जैसे कि मान ली कि कुछ ऐसा ले लो, जैसे कि मान लें कि कोई पेट्रोल पंप हो गया, अगर मैंने पेट्रोल पंप बनाया तो विकास, आर्थिक सतत विकास की, पेट्रोल पंप विकसित होते रहेगा, अब अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे जो पीछे जो पीढ़ी है वो भी इसका फायदा उठाते रहेगा, तो ये क्या ठोस चीज़ हो गया, आर्थिक सतत विकास मतलब हो गया टिकाऊ चीज़, टिकाऊ माल, जो ठोस चीज़ जो हमेशा चलते रहे, अच्छा दिन तक चलते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका फायदा उठाते रहे, इसको बोलते हैं आपका सतत विकास। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, मानव विकास रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखो मानव विकास रिपोर्ट, इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि HDR, क्या बोलते हैं, HDR। तो सबसे पहले ये समझो कि मानव विकास रिपोर्ट होता है क्या, तो UNDP बोले तो मैं यहां पर लिख दूं, है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम, प्रोग्राम को बोलते हैं कार्यक्रम, क्या बोलते हैं, कार्यक्रम, तो संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक सूचकांक जारी करता है जिसको बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट। और ये किस बेसिस पे जारी करता है, तो मानव विकास रिपोर्ट जो है UNDP, जिस देश का शिक्षा स्तर कैसा है, है ना, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, और फिर वहाँ का जो है प्रति व्यक्ति आय कैसा है, ये तीन चीज पे डिपेंड करता है, तीनों चीज को औसत निकालता है और फिर हर देश का मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। और इसके तीन सूचक है मानव विकास, यानी कि HDR, है ना, HDR, इसके तीन सूचक है, तीन सूचक नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे सकता है कि मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है, तो तीन सूचक याद करना, और उसका नाम है पहला जीवन प्रत्याशा, क्या नाम है, जीवन प्रत्याशा, दूसरा है आपका शिक्षा स्तर, शिक्षा प्राप्ति, और तीसरा है जीवन स्तर, क्या है, जीवन स्तर। तो जीवन प्रत्याशा का मतलब जिंदगी कैसे गुजार रहा उसका, है ना, यानी कि कैसे कि उसका प्रति व्यक्ति आय कैसा है, है ना, इसके अनुसार। शिक्षा प्राप्ति मतलब उस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। जीवन स्तर मतलब वो उसकी स्वास्थ्य कैसा, जाहिर सी बात जब तक स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो जीवन का स्तर भी बेकार हो जाएगा, है ना, तो स्वास्थ्य पे डिपेंड करता है जीवन स्तर, आपका जीवन स्तर कैसा है। तो यही समझना आपका मानव विकास रिपोर्ट, तो यही होता है HDR, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये फुल फॉर्म आपको याद करना है। UNDP का फुल फॉर्म आपका होता है यूनाइटेड, लिख देता हूँ यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये फुल फॉर्म याद करना, UNDP को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और विकास, मानव विकास जो रिपोर्ट UNDP जारी करता है वो किस बेसिस पे जारी करता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, इन तीनों का औसत निकालता है और तब बताता है कि किसी भी देश का जो है HDR क्या है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है।
समाज किसके बारे में? अब आपका है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जस्ट लाइक ये इसी से रिलेटेड है, HDR। तो HDR तो समझ गए, ये जो आपका UNDP जारी करता है। मानव विकास सूचकांक क्या होता है? तो मानव विकास जो सूचकांक यानी कि जो सूचक होता है, यानी कि जिस चीज से दर्शाया जाता है HDI, किसी भी देश का HDI कैसा है। तो HDI का मतलब वो जो HDR है, जो HDR जो बता रहा है, जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, ये तीनों को औसत जब निकालता है तो एक HDI निकलता है, उसको क्या बोलता है HDI, क्या बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक, यानी कि मानव का विकास उसका सूचकांक क्या है। ये जो तीनों को मिला करके एक औसत निकाला जाता है कि मानव विकास सूचकांक कितना है। और ये भी याद रखना कि HDR, जो HDR होता है, जो मानव विकास सूचकांक होता है, वो 0 से लेकर 1 तक होता है, 0 से लेकर 1 तक, यानी कि 2, 3, 4 नहीं रहेगा, 0 से लेकर कहाँ रहेगा, 1 तक रहेगा, 0 से नीचे नहीं रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा और 1 से छोटा रहेगा। किसी भी देश का जो सूचकांक होगा वो 0 से लेकर 1 तक रहेगा, ये याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और फिर आपका जो मानव विकास सूचकांक, इसी के बेसिक पीसी के अंदर में सभी देश का सूचकांक जारी करता है, कौन, UNDP, कौन करता है, याद रखना UNDP। अब आपको दो यहां पे इंपॉर्टेंट है, जो अगर आपको बोला जाए कि सबसे ज्यादा जो है सबसे अच्छा HDI किसका है, मानव विकास दर सबसे ज्यादा किसका है ना, मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा किसका है, तो जिसका रेटिंग ज्यादा रहेगा उसका क्या रहेगा, विकास दर ज्यादा रहेगा। तो सिंपल से ये बात है, जो विकसित देश होगा उसका HDI मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा होगा, और जो अविकसित देश होगा या विकासशील देश होगा तो उससे कम रहेगा। जैसे कि आप नॉर्वे, एक देश है आपका, क्या नॉर्वे एक देश है जिसकी राजधानी है ओस्लो, क्या है ओस्लो, याद रखना नॉर्वे की राजधानी क्या है ओस्लो। तो नॉर्वे देश एक विकसित देश है, आपको पता है इसका विकास दर कितना है, विकास दर यानी कि मानव विकास सूचकांक इसका कितना है, 0.961 इसका विकास दर है, ठीक है, ये आपका नॉर्वे का है। और आपका भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो भारत क्या है, तो भारत का जो विकास का दर है वो 0.61, नॉर्वे का विकास दर कितना होता है, 0.961 नहीं 5 होता है, 0.965 होता है, और भारत का विकास दर है 0.611। ये आपका विकास दर, इसको याद रखना कि सबसे ज्यादा विकास दर किसका है, नॉर्वे का है, और अपना भारत का याद रखना, ठीक है। हालांकि पूरा देश के विकास दर याद रखने की जरूरत नहीं, विकास सूचकांक HDI याद रखने की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों याद रखो, सबसे ज्यादा नॉर्वे का होता है, फिर भारत का ये होता है। अब आपको बताते हैं राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। नेक्स्ट आपका यह है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब यह हुआ कि किसी भी देश का एक साल में जो भी इनकम आ रहा है, चाहे वो संसाधन से आ रहा हो, चाहे वो विदेश से आ रहा हो, यानी कि जो भी संसाधन उत्पादन किया जा रहा हो देश में या बाहर देश से जो इनकम आ रहा है, उन एक साल में सभी का पैसा, सभी का आर्थिक योग कर देंगे, मिला देंगे, तो क्या प्राप्त होगा, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, देश। राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, नेशनल, है ना, देश। तो राष्ट्रीय मतलब नेशनल इनकम कितना है, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, एक साल में, एक वर्ष में देश में कितना इनकम हुआ, चाहे उत्पादन से हो, चाहे मेरे काम करने से हो, है ना, या बाहर से पैसा आ रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका प्रति व्यक्ति आय। तो ये दोनों जो देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के आसपास में है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय जो है वो HDR यानी कि मानव विकास रिपोर्ट का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है राष्ट्रीय आय। यानी कि किसी भी देश का अगर राष्ट्रीय आय अच्छा होगा तो मानव विकास रिपोर्ट यानी कि जो सूचक है HDI, ये बेहतर होगा। और जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे ज्यादा होगा उस देश को विकसित बोलेंगे, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय जिस देश का सबसे ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, विकसित देश बोलेंगे, और जिस देश के राष्ट्रीय आय कम होगा उसको अविकसित देश बोलेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप समझो ये कि प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है कि किसी भी देश का एक व्यक्ति का आय कितना है, एक साल में एक व्यक्ति का आय कितना है। अब हमको प्रति व्यक्ति आय अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, यानी कि टोटल पूरे जो हमारे देश में अगर हम प्रति व्यक्ति आय निकालना चाहते हैं कि एक व्यक्ति का आय कितना कमा रहा, ऐसा नहीं कि सब कमा रहा, यानी कि 10 लोग कमा रहा, 5 लोग बैठ गए, तो 100 का पैसा वो 500 में डिवाइड होगा, यानी कि औसत निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला है, याद करना, और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय आय देश में जितना जो राष्ट्रीय आय होगा, राष्ट्रीय आय जो जितना देश में राष्ट्रीय आय होगा, और उस देश में जितना संख्या होगा, है ना, कुल जनसंख्या को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, कुल जनसंख्या, तो राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे, क्या प्राप्त होगा, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। समझ गए, प्रति व्यक्ति आय क्या है, यानी कि राष्ट्रीय आय, यानी कि
टोटल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड करने के बाद जो आपको प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। समझ गए। अब हम लोग ये समझो अर्थव्यवस्था की संरचनाएं। तो अर्थव्यवस्था तो भाई अभी पढ़ लिए इतना सारा हम लोग। अर्थव्यवस्था की संरचनाएं का मतलब यह हुआ कि अर्थव्यवस्था कितना किस तरह से बना हुआ है। तो मूल रूप से इसको जो संरचना है तीन भाग में बटा हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में और तृतीयक क्षेत्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र का एक नाम है, क्या नाम है, कृषि क्षेत्र। क्या बोलते हैं, याद रखना, सवाल ऐसे आता है कि प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, प्राथमिक क्षेत्र को और क्या कहते हैं, तो याद रखना प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल तो कोई कृषि, पशुपालन, मछली पालन, यानी कि समझ इसका मतलब, यानी कि जहां उत्पादन किया जाता है, जहां उत्पादन होता है, कृषि यानी कि प्राथमिक स्थल, जो जहां से शुरुआत होता है उसको बोलते हैं। जैसे कि अनाज हो गया, तो अनाज बेचना अलग काम है, लेकिन जहां से उत्पादन कर रहे हैं वो आपका प्राथमिक काम हुआ, ठीक है। पशुपालन, पशु को पाल रहे हैं, पशु को बेच रहे हैं अलग से, है ना, आपका उसका जो गोबर है अलग हो रहा, दूध का बिक्री अलग से हो रहा, उसकी बात नहीं कर रहे। जो पशु जो पाल रहा सबसे पहला प्राथमिकता उसका है, क्योंकि जब पाले गए नहीं तो पशु फिर कैसे होगा। मछली पालन, मछली को ला के बेच रहा है वो अलग बात है, काम कर रहा, अपना व्यवसाय कर रहा, लेकिन मछली जो पालने वाला अगर मछली नहीं पालेगा, शुरुआत वहीं से हो रहा है ना मछली पालन, अगर वो मछली नहीं पालेगा तो कैसे बेचेगा। तो यूं समझो प्राथमिक क्षेत्र का सबसे पहला नाम जो उसका जो दूसरा नाम है कृषि क्षेत्र। क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र, और ये सभी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका क्या है, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र मतलब जैसे व्यवसाय यानी कि बिजनेस वाला काम हो गया, निर्माण काम हो गया, जैसे कि गैस, बिजली, है ना, ये सब क्या हो रहा, निर्माण का काम हो रहा, व्यवसाय का काम हो रहा, इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक क्षेत्र बोलेंगे। समझ रहे हैं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से जाके देख लिए, द्वितीयक क्षेत्र में आपका औद्योगिक जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक क्षेत्र बोलेंगे। और इसका नाम भी याद रखें कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि इनमें से कौन द्वितीयक क्षेत्र है, तो दे देगा आपको कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तो आपको टिक आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका तृतीयक क्षेत्र है, तृतीयक मतलब तीसरा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र क्या, सेवा। तो यहाँ से आपका शुरुआत हुआ और यहाँ पे जाके बिजनेस हो रहा और यहाँ पे क्या हो रहा, सेवा हो रहा। जैसे बैंक में, बैंक क्या काम काम करता है, समाज की सेवा के लिए काम करता है, हमारा पैसा जमा रखता है, चोरी हो जाए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन पैसा हमारा नाम पे रहता है, वो आज नहीं कल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बीमा, जैसे LIC वगैरह हो गया, आप पैसा जमा कर रहे हैं, आपकी फ्यूचर के लिए काम आने वाला है, तो ये आपका क्या कर रहा, सेवा कर रहा, आपके समाज के लिए सेवा कर रहा, तो सेवा क्षेत्र बोलते हैं तृतीयक को। परिवहन, गाड़ी वगैरह सेवा करता है, पैसा तो लेगा ही लेगा, लेकिन सेवा कर रहा ना, हमको यहाँ से अमेरिका पहुँचाने में सेवा करता है। संचार हो गया, जैसे मोबाइल फोन कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं आप, ये क्या कर रहा, आपको सेवा कर रहा, लॉकडाउन में सब कुछ बंद है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, तो ये आपको सेवा कर रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, सेवा क्षेत्र बोलेंगे तृतीयक क्षेत्र को। समझ गए यहाँ तक। अब आप लोग, हम लोग को अब हमको ये समझना पड़ेगा, विनिमय के मतलब समझ लो, विनिमय के मतलब होता है लेन देन। क्या होता है, लेन देन, हम आपको कलम दिए तो आप हमको किताब देती हैं, इसको बोलते हैं विनिमय। तो ये अभी नहीं, प्राचीन काल में, यानी कि पुराने समय में, और हमको भी याद है, और शायद आप भी अपने दादा से पूछ लीजिएगा, अम्मी से पूछ लीजिएगा, तो बता देगा कि हमारे दादा लोग क्या करते थे, वस्तु से विनिमय करते थे। यानी कि अगर किसी को खेत दे दिए तो उसके बदले हमको क्या दे दिया, चावल दे दिया, ऐसे होता था, है ना। हम किसी को जानवर दे दिए तो उसके बदले हमको गेहूं मिल जाता था, किसी को दाल दिए तो चावल मिल जाता था, ये विनिमय का माध्यम था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो वस्तु विनिमय से क्या समझे, वस्तु का लेन देन, वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वस्तु का लेन देन, समझ गए। नेक्स्ट है मौद्रिक प्रणाली। क्या है मौद्रिक प्रणाली, तो मौद्रिक यानी कि पैसा से वस्तु का लेन देन, जैसे हम लोग अभी करते हैं, पैसा देते हैं सामान लेते हैं, पैसा से वस्तु का लेन देन जो अभी प्रचलित है, अभी जो वर्तमान में मौद्रिक प्रणाली काफी ज्यादा फैला हुआ है, और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हैं, इसके लिए हम लोग मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, पैसा का इस्तेमाल करते हैं। तो वही हमारा है मौद्रिक प्रणाली, यानी कि पैसा से, मुद्रा से वस्तु का लेन देन हो, उसको क्या बोलते हैं, मौद्रिक प्रणाली। नेक्स्ट आपका बैंकिंग प्रणाली, यानी कि बैंकिंग प्रणाली का मतलब ये हुआ, हम बैंक गए और वह हम चेक, एक बैंक के द्वारा, बैंक के माध्यम से एक चेक हमको मिला, और पैसा निकाले नहीं, चेक मिला, और चेक के जरिए ही हम उसमें लिख दिए इतना पैसा, है ना, वो बैंक दिया, बैंक एक्टिवेट किया, और फिर आप उसी से फिर लेन देन कर सकते हैं। तो चेक के द्वारा जो आप बैंकिंग प्रणाली काम कर सकते हैं, तो बैंकिंग प्रणाली में के अंतर्गत होता है जो बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय, चेक के द्वारा, जैसे हमको जमीन लेना है तो अब उतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, तो बैंक हमको एक चेक प्रोवाइड करेगी, ठीक है, एक चेक हमको देगी, उस चेक मेरे नाम से रहेगा और मेरे अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए, है ना।
तो उसमें हमको लिखना पड़ेगा 5 लाख 10 लाख, उस नीचे साइन कर देंगे और चेक हम उस व्यक्ति को दे देंगे जिससे हम जमीन खरीदेंगे, और वो बेचारा जाएगा बैंक बैंक में जमा करेगा और वो पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो ये होता है आपका बैंकिंग प्रणाली, समझ गए। कोर बैंकिंग प्रणाली, इसको समझिए, कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है। तो कोर बैंकिंग प्रणाली मतलब ये हुआ कि पैसा हमको नहीं निकालना है, ना तो हमको चेक का इस्तेमाल करना है। बैंक गए और बैंक में एक फॉर्म फिल किए, उसको कहते हैं भैया हमको अमेरिका या कहीं और तो हमको पैसा भेजना है, ठीक है। तो अब हमको चेक वगैरह नहीं भरना पड़ेगा, एक फॉर्म फिल करेंगे और वो मेरे अकाउंट से पैसा जो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। जैसे हम यहाँ हैं, कोई दिल्ली में है, ठीक है, अब उसको पैसा भेजना है, पैसा निकालना भी नहीं चाहते, चेक वगैरह नहीं, कैसे देंगे उसको, हम कैसे भेजेंगे, तो क्या करेंगे, बैंक जाएंगे और हमको कोर बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। उसको बोलेंगे जो फॉर्म फिल करेंगे वो मेरे ही पैसा अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा, इसको क्या बोलते हैं, कोर बैंकिंग प्रणाली। ऐसे तो किसी को पैसा लगाना होता तो क्या करते हैं, पैसा ले जाते हैं और बैंक में जाकर उसके अकाउंट में पैसा डालते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा ना हो, ये लॉकडाउन में अगर आपको मेरे पास पैसा भेजना हो 2 लाख, तो कैसे भेजिएगा, तो बैंक जाएंगे और फिर मेरा अकाउंट लीजिएगा, आपका अकाउंट तो बैंक में ऑलरेडी है ही है, तो फिर वहां से क्या कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं किसी से भी, मतलब ऐसा काम होता है कोर बैंकिंग में, ठीक है। एटीएम प्रणाली, एटीएम प्रणाली क्या है, एक छोटा सा एटीएम बना रहता है, तो आप हर कोई जानते हैं एटीएम का फुल फॉर्म पहले जान लो, एटीएम एटीएम मशीन होता है जिससे पैसा निकलता है। एक तो बैंक हो गया, बैंक से भी पैसा निकाल सकते जाके, लेकिन आपको लंबा लाइन लगाना पड़ेगा, गर्मी है। अब एटीएम में क्या है कि जिस टाइम चाहो उस टाइम पैसा निकाल लो, है ना, लगभग लगभग वो एटीएम 24 आवर के लगभग खुले ही रहते हैं। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि स्वतः चलने वाली मशीन, खुद ब खुद चलने वाली मशीन। बस आपका एटीएम कार्ड रहेगा, उस एटीएम कार्ड को यहाँ पे एंटर करो, पिन वगैरह डालो, कितना पैसा निकालना वो करो, और पैसा अपने आप वहाँ से निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं एटीएम प्रणाली। क्या बोलते हैं, एटीएम प्रणाली। किसी मैनेजर से, किसी आपके कर्मचारी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और डायरेक्ट पैसा निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड जानते हैं, जो एटीएम जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो एटीएम बोलते हैं मेरे पास एटीएम है, भाई एटीएम नहीं, वो डेबिट कार्ड है। क्या है, डेबिट कार्ड है, मेरे पास तो भी है नहीं, तो जिससे पैसा निकालते हैं उसको बोलते हैं डेबिट कार्ड। एटीएम कार्ड भी बहुत लोग बोलते हैं उसको एटीएम कार्ड, तो एटीएम कार्ड नहीं, वो डेबिट कार्ड है। क्या है, डेबिट कार्ड है। और एटीएम तो आपका मशीन है, अगर कोई बोलता है मेरे पास एटीएम है, मेरा एटीएम खो गया, तो बोलो उसके पास, यार तुम कब एटीएम बनाया था, तुम्हारा जो एटीएम खो गया तो सरकार के दिया हुआ है ना, तो आपके पास डेबिट कार्ड है, तो डेबिट कार्ड को ही बोलते हैं एटीएम, जिसके माध्यम से हम एटीएम से पैसा निकालते हैं उसको बोलते हैं डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी यही होता है, क्रेडिट कार्ड भी वो आपका इसी तरह जो डेबिट कार्ड है उसी तरह से प्लास्टिक टाइप का बना रहता है क्रेडिट कार्ड, उसी के माध्यम से भी आप पैसा निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट आपका उपनिवेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनिवेश क्या होता है, तो उपनिवेश का मतलब यूँ समझो, कोई देश है, कोई कमजोर देश समझो, और उस पर कोई बड़ा सा देश आ करके वहाँ शासन करने लगे, उस पर हावी हो जाए, और उस कमजोर देश का जो शासन व्यवस्था है, जो आपका क्रियाएं हैं, सभी का कंट्रोल पावर जो है, वो जो शक्तिशाली जो देश आ जाता है उसके अंतर्गत आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उपनिवेश। क्या बोलते हैं उपनिवेश बोलते हैं, समझ रहे हैं, यानी कि एक कमजोर देश पर जब एक कोई बड़ा देश आ जाता है, उसका पूरा शासन प्रणाली उसी के अंतर्गत, बड़ा वाला जो देश आया ना, जो शक्तिशाली देश, उसके अंतर्गत उसका पूरा पावर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उपनिवेश बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट में, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में इतना सारा आपको अंडरस्टैंड करा दिया हूँ, बाकी इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आएगा। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अपलोड कर ही दिया हूँ, है ना, आप लोग पढ़ ही लिए हैं और अच्छी तरीके से तैयारी भी चल रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा सब्जेक्टिव सवाल, यानी कि जो इंपॉर्टेंट सवाल है, लंद फन सवाल नहीं, फालतू वाला सवाल नहीं, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो मतलब संभावना है कि वो एग्जाम में परीक्षा में आएगा, तो मैं उसी को है हैंड राइटिंग से लिखूंगा और आपको वहां पे सेंड करूंगा। तो चलिए यहाँ पे तो क्लियर हो गया। और अगर आप मेरे से पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं टेलीग्राम नाम का एक एप्लीकेशन, मैं तो नहीं बनाऊँ, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो टेलीग्राम, और टेलीग्राम पर सर्च करना ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, ये सर्च करना, आपका एक ग्रुप आएगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप वहाँ से कोई प्रॉब्लम्स आपका हो तो मेरे पास मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। और एक और ग्रुप है ए ऑनलाइन सॉल्यूशन पीडीएफ के नाम से, पीडीएफ यहाँ पे सिर्फ इसके पीडीएफ भेजा जाएगा, तो इसका मैं जो बनाऊंगा सब्जेक्टिव वहाँ पे सिर्फ पीडीएफ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये है, ये ग्रुप है ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, ये ग्रुप है, इसे सब मैसेज करते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहता है, तो ये ग्रुप हो गया तो पता नहीं चलेगा पीडीएफ कहाँ गया मेरा,
अब इसमें पीडीएफ फॉर्म ज्वाइन होगा तो आपको पीडीएफ वहां पे लिमिट रहेगा, जमा रहेगा, ठीक है, समझ आया आपको। तो चलो फिलहाल यहां पे वीडियो को लास्ट करते हैं, काफी टाइम हो गया है, और फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, ये सभी मैटर जो आपको समझ में आए कि नहीं आए, नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, जल्दी से इसको भरो, और मजा आ गया पढ़ने में तो लाइक वाइक जरूर करना, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना, क्यों, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा, जब भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, तो आपके पास मैसेज चला जाएगा और आप ऑन टाइम आकर के पढ़ पाओगे। और इस चैनल पे पूरा तैयारी कराया जा रहा है, सिर्फ संस्कृत को छोड़कर, क्योंकि मुझे संस्कृत, बदकिस्मत हूँ जो संस्कृत मुझे नहीं आती है, तो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल, मैथ सभी का अच्छी तरीके से तैयारी कराया जा रही है। तो लॉकडाउन में है तो आराम से पढ़िए, अगर किसी का कोचिंग खुल भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी पढ़िए और यहाँ भी अपना जो है जो आपके अंदर जो पावर है, जो आपके अंदर जो ज्ञान है, नॉलेज, उसको वृद्धि कीजिए, बढ़ाइए। चलिए मुझे इजाजत दीजिए, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।